बुद्ध ने पढ़ाया ज्ञान का पाठ। एक युवा ब्रह्मचारी देश विदेश का भ्रमण कर और वहाँ के ग्रंथों का अध्ययन कर जब अपने देश लौटा तो सबके पास इस बात की शेखी बघा करने लगा। उसके समान अधिक ज्ञानी विद्वान और कोई नहीं। उसके पास जो भी व्यक्ति जाता वह उससे प्रश्न क्या करता कि क्या उसने तुमसे बढ़कर कोई विद्वान देखा है। बात भगवान बुद्ध के कानों में भी जा पहुँची। वे ब्राह्मण वेश में उसके पास गए। ब्रह्मचारी ने उनसे प्रश्न किया, तुम कौन हो ब्राह्मण? अपने देह और मन पर इसका पूर्ण अधिकार है, मैं ऐसा एक तुच्छ मनुष्य। बुद्ध देव ने जवाब दिया, भली भांति स्पष्ट करो ब्राह्मण, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह अहंकारी बोला। बुद्ध देव बोले, जिस तरह कुम्हार घड़े बनाता है, नौकाएं चलाता है, मधुधारी बाण चलाता है, गायक गीत गाता है, वादक वाद बजाता है और विद्वान में भाग लेता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष स्वयं पर शासन करता है। ज्ञानी मनुष्य भले स्वयं पर कैसे शासन करता है? ब्रह्मचारी ने पुनः प्रश्न किया। लोगों द्वारा प्रस्तुति सुमनों वर्षा किए जाने पर अथवा निंदा के अंगार बरसने पर भी ज्ञानी पुरुष का मन शांत ही रहता है। उसका मन सदाचार, दया और विश्व प्रेम पर ही केंद्रित रहता है, अतः प्रश्न या निंदा का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। यही वजह है कि उसकी चिंता सागर में शांति की धारा बहती रहती है। जब ब्रह्मचारी ने जब उसका स्वयं के बारे में सोचा तो उसे आत्मग्लानि हुई और बुद्ध देव के चरणों पर गिरकर बोला, स्वामी अब तक मैं भूल में था, मैं स्वयं को ही ज्ञानी समझता था, किंतु आज मैंने जाना है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।